नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। और सुबह से ही लगातार यहां पर रुझान आने लगे हैं और चुकाने वाले रुझान यहां पर सामने आए हैं और लगातार कई राज्यों में बीजेपी को यहां पर लगातार बढ़त मिल रही है और बहुमत पार कर चुकी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 158 सीटें यहां पर बीजेपी के पास है शुरुआती रुझानों में और 157 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, जहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस 2018 वाला यहां पर जो निर्णय है उसको दोबारा दोहराती हुई नजर आएगी। यहां पर कमल नहीं खिलेगा बल्कि कमलनाथ यहां पर सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा, वो दावा कमजोर नजर आता जा रहा है। जनता ने फिर यहां पर मामा शिवराज को चुन लिया है, यही यहां पर अभी पहले रुझानों में साफ हुआ है। बाकी ये देखना होगा कि दोपहर तक या आगे आने वाले रुझानों में क्या साफ होता है। बाकी देखी जाए तो बीजेपी यहां पर बहुमत बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसी बहुमत पर कहीं ना कहीं यहां पर सवाल उठते हैं और यहां पर सिराज से सवाल करेंगे कि क्या सिराज, अगर यहां पर बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है, लेकिन क्या दोपहर तक यहां बड़ा झटका कांग्रेस दे सकती है? क्योंकि कांग्रेस ने भी यहां पर खूब लड़ाई लड़ी। यहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अन्य नेता लगातार यहां पर रैलियां करते रहे और कहा गया कि इस बार समय कमल का नहीं कमलनाथ का है। तो क्या यहां पर अंतिम जब यहां पर चरण आएंगे तो क्या उस समय कोई बड़ा रुझान यहां पर सामने आ सकता है? क्या झटका बीजेपी को लग सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ही लगातार बीजेपी बढ़त बढ़ाती जा रही है, ऐसे में अब झटका देने की बात रही तो अभी गिनती शुरू हुई है, लेकिन कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी जो कांग्रेस है वो टक्कर दे सकती है। लेकिन हमें ये चीजों को समझना होगा कि अब समय जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी के आस पास भी जो है कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में झटका लगने का सवाल है वो बहुत ही उसके कम आसार नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी की एक मजबूत पकड़ है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से एक इमोशनल दाव खेला मध्य प्रदेश में, मामा और भांजे और बहन भाई का रिश्ते वाला जो, वो कहीं ना कहीं अब हकीकत में एक उसका असर दिखता हुआ दिख रहा है। और खासतौर पे हम बात करें कमलनाथ ने जिस तरीके से दावे किए थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो वापसी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सारे दावे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ को, क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है और एक दो सीटों से नहीं बल्कि काफी ज्यादा सीटों से पीछे होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। तो इसको देखे तो मुझे लगता है कि अभी उतने झटके की उम्मीद नहीं है और कांग्रेस जो है आने वाले समय में मुझे लगता है उसको मध्य प्रदेश में हार ही मिलने के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बीजेपी को बहुमत मिल जाती है तो क्या यहाँ पर सीएम चेहरे की लड़ाई होगी? क्योंकि शिवराज मामा को ही यहाँ पर आगे किया गया है, उनके चेहरे पे ही पूरा खेल खेला गया है। क्या सिंधिया यहाँ पर बगावत कर सकते हैं या बहुमत आते ही सिंधिया के सुर बदल जाएंगे? जी देखिए, आपने सीएम फेस की बात करी बीजेपी की तरफ से, तो आपको समझना होगा कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी में दो ऐसे बड़े नेता हैं, बात करें हम नरेंद्र सिंह तोमर और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय, जो कि सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में सिंधिया जो है वो सीएम फेस से बाहर नजर आते हैं और उनसे बड़े बड़े नेता जो है अभी बीजेपी में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवराज के अलावा भी बीजेपी पे बड़े ऑप्शन है, तो मुझे लगता है सिंधिया के कोई आसार नहीं है और इन्हीं तीनों चेहरों पर बीजेपी दाव खेलती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल, यहाँ पर बहुमत तो बीजेपी के हाथों में दिख रही है, लेकिन क्या बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी में सब सुलझा हुआ दिखाई देगा कि नहीं, बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी यही बना हुआ है। क्योंकि शिवराज एक तरफ यहाँ पर सीएम कुर्सी पर है, फिर दोबारा वो सीएम कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं, दूसरी तरफ देखा जाए सिंधिया तो सिंधिया लगातार यही प्लानिंग कर रहे हैं कि केंद्र में नहीं रहना, मध्य प्रदेश की राजनीति करनी है और वहां पर सीएम की कुर्सी चाहिए। तो देखना होगा कि जो ये रुझान अभी आ रहे हैं वो सत्य साबित होते हैं, ये आंकड़े यहां पर बीजेपी के लिए मजबूत साबित होते हैं कि नहीं, यहां पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जिस तरीके से यहां पर जीती नजर आती है, यहां पर आखिरी चरण तक जीती है कि नहीं। लगातार यहां पर नजर बनी रहेंगी एसपीएन न्यूज की और आपको अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन न्यूज। धन्यवाद।